छात्राएं आप सभी के सामने एक नुक्कड़ के माध्यम से माहवारी में होने वाली समस्या और उनमें कैसे बचाव कर सके उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूं। तो आइए देखते हैं पहला दृश्य रिंकी के स्कूल का। भारत में लगभग 18
समझ चुके होंगे कि महावारी के समय स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप भी आपके मन में कोई प्रश्न या कोई विचार है तो आप हमसे खुलकर बात कर सकते हैं। तो दीदी, इस खून से बदबू क्यों आती है? इस खून से बदबू इसलिए आती है क्योंकि जो आप कपड़ा या पैड इस्तेमाल करते हैं, जब वो हवा के संपर्क में आता है तो कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है जिसकी वजह से बदबू आती है। बदबू ना आए उसके लिए आपको हर 4 से 6 घंटे में अपना कपड़ा या पैड बदलना चाहिए। आशा दीदी, इन पैड या कपड़ों को कैसे देखना चाहिए? आपको जो आपका पैड होता है उसे आप एक कागज में लपेट कर कूड़ेदान में डाल सकते हैं, या पैड इकट्ठा करके उसे जलाकर एक कोने में गड्ढा कर गाड़ सकते हैं। आपको पैड इधर उधर नहीं फेंकना है क्योंकि वो जानवर के संपर्क में आएगा और संक्रमण फैल सकता है। आपको पैड हमेशा पीले डिब्बे में ही फेंकना है और पैड को कभी भी शौचालय या नालियों में भी नहीं लगाना है क्योंकि नालियां जाम हो सकती हैं। दीदी, उन दिनों में साफ सफाई कैसे रखें? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। उन दिनों महिलाओं और कुछ किशोरियों को बहुत अच्छे से अपनी देखभाल करनी चाहिए। अगर वो अपनी देखभाल ना करें तो उन्हें अनेकों प्रकार की समस्या हो सकती है, जैसे गुप्त अंग में खुजली, जलन, गुप्त अंगों का संक्रमण और मूत्र के मार्ग में संक्रमण हो सकता है जिसे आप UTI के नाम से जानते हैं, और गंभीर स्थितियों में तो किडनी का इन्फेक्शन और गुप्त अंगों का कैंसर भी हो सकता है। हमें इन सब से बचने के लिए किशोरियों और महिलाओं को अपनी योनि और गुप्त अंगों को अच्छे से साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन और कपड़े बदलते समय हमें अच्छे से अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। मल विसर्जन के समय हमें कैसे पूछ